2000 गज के आसपास की प्रॉपर्टी है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये अपने फार्म की लीची है, लश ग्रीन प्रॉपर्टी है, स्विमिंग पूल है इसमें, इसका सॉफ्ट फ्रंट है और 178 की गहराई है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी हम लोग लेके आए हैं। ये एक एंटीक प्रॉपर्टी है, जो लोग एंटीक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है, और साथ ही साथ जो सेंटर सिटी लोकेशन में प्रॉपर्टियाँ देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है। पहली चीज, 2000 गज के आसपास की प्रॉपर्टी है दोस्तों। टोटल जो लैंड साइज है लगभग 1968 के आसपास है, और जो ऑन पेपर है वो 1900 के आसपास है। फुली डेवलप्ड है और लश ग्रीन प्रॉपर्टी है। आप देखो, चारों तरफ देखो, आप जितना स्पेस आप ये देख रहे हैं ना लॉन का, इससे 10 गुना स्पेस बैक साइड में है ना। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, साथ साथ बिल्ट इन भी है इसमें, और साथ साथ ओपन स्पेस भी काफ़ी है, स्विमिंग पूल है इसमें। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपका ओपन होता है बिजनेस ऑप्शन, कि आप इसमें रेंटल पे इसको दे सकते हैं। कैसे रेंटल? की जैसे कोई वेडिंग पॉइंट बनाना है, कोई पार्टी स्पेस बनाना है, उस तरीके से आप इसको डेली रेंटल पे दे सकते हैं और प्रॉपर्टी एज इट इज़ आपकी ही रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे फ्लैट बना सकते हैं। कोई अगर बिल्डर इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो वो इसमें फ्लैट कल्चर भी डेवलप कर सकते हैं। सामने रोड बहुत चौड़ी है, 40 से 45 फीट की रोड है इसमें, वाइड रोड है, और बाहर लगभग 60 फीट की रोड है, जो मेन जो रोड चलती है उससे बहुत नज़दीक है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लैंड कॉस्ट पे मिल रही है और नेगोशिएबल है। आप डायरेक्टली ओनर के साथ में मीटिंग करेंगे इसके लिए, बाकी डिटेल्स हम आगे बात करते रहेंगे। आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए। सबसे पहली चीज़, इसमें 9 लीची के पेड़ हैं, कुछ पेड़ तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और बाकी इसमें जो बड़ा लॉन है वो वहाँ पे है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो जो मेन वॉल होती है ना, बाउंड्री वॉल, उस वॉल के चारों तरफ इसमें पेड़ लगाए हुए हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी हुई है। आप देखोगे कि ये जो पौधे हैं इतने बड़े किए हुए हैं और प्रॉपर कटिंग की हुई है हर लेवल पे। यहाँ पे दो तीन लोग हमेशा काम के लिए रखे हुए हैं, ओनर ने केयर टेकर रखे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर सिक्योरिटी है उनकी। बाकी जो आप ये देख रहे हैं ग्रास, ये इम्पोर्टेड ग्रास है, और पूरे जो बैक साइड का बड़ा लॉन है उसमें भी ये दिया हुआ है। प्रॉपर्टी में दिखाएंगे, पहले इस पार्ट को हम देखेंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टी के अंदर का टूर लेंगे और फिर चल के हम बैक साइड में जाएंगे। आप देखिए इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि आपको मतलब कहीं भी आपकी लैंड वेस्टेज नहीं है, और कोने कोने में पूरे पेड़ पौधे उगाए हुए हैं और बीच का पूरा स्पेस ओपन है। यहाँ देखिए, ये लीची है, ये लीची है, ये बीच में आम का पेड़ है, और सभी फलदार वृक्ष हैं ये जो लगाए हुए हैं। अब हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे। इसका सॉफ्ट फ्रंट है और 178 की गहराई है। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, अगर आप दो तीन चार भाई भी हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है। इसमें जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है इसकी कोई कीमत ओनर नहीं लगा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट समझिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। और साथ ही साथ जैसे ही हम प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं तो आपको पूरी क्लीन मिलती है प्रॉपर्टी, एक पत्ता भी आपको प्रॉपर्टी में बाहर नहीं दिखता, क्योंकि केयर टेकर इसमें हर टाइम काम में लगे रहते हैं। फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके का आपको दिखता है इसका, इसका भी मैं टूर दूंगा आपको। इसका टूर देना इसलिए ज़रूरी है कि ये भी इसमें मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट फ्री है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगाई है, केवल वो लैंड कॉस्ट ही चार्ज कर रहे हैं। अच्छी बात है कि डबल साइड रोड पे मिलती है आपको ये प्रॉपर्टी, एक साइड 15 फीट के आसपास की रोड है, एक साइड 40-45 फीट की रोड है, और फुली डेवलप्ड है। मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा इसका, एक बार यहाँ अगर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे देखिए कितने बढ़िया पौधे लगे हुए हैं। चलिए सीधे अंदर चलते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन पुराना है, वुडन का काम है, फ्लोरिंग इसमें पूरी आपको मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं आपको एक कंप्लीट वुडन का डोर मिलता है, इसमें टीक और साल का इसमें काम हुआ है, मतलब एंटीक जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है। साथ ही साथ हम अभी जिस पोर्शन में खड़े हैं ये है इसका ड्राइंग स्पेस, आप देखिए कितना बड़ा स्पेस है। साथ ही साथ ओनर ने इसमें आप देखें तो ऑफिस का भी यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है। आप चाहें तो अगर आपको ऑफिस सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे बीच में कर्टन या पार्टीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, मतलब प्रॉपर इसमें सिटिंग का ऑप्शन है। और आप अगर एक जगह से इसको देखेंगे तो ये फुली मतलब देखिए कितना बड़ा स्पेस है, और खुला खुला है, मतलब इधर भी विंडो है, उधर भी विंडो है, इधर इसमें ओपन स्पेस है, इधर ओपन स्पेस है, और इधर डोर मिलता है आपको, तो प्रॉपर्टी पूरी खुली खुली मिलती है आपको। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो फ्लोरिंग है वो भी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल हुई है, और कई सारे रेनोवेशन के काम ओनर ने खुद से इसमें किए हुए हैं। आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें पेंट वगैरह या कहीं पर अगर दीवार के वो निकले हुए तो उसको आप मेंटेन करा सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। इधर स्टोरेज का स्पेस है जो इस साइड में है,
और इधर एक बेडरूम है, इधर एक ओपन क्लॉजेट वॉशरूम है और साथ साथ इधर एक डाइनिंग का स्पेस आता है, साथ में एक मॉड्यूलर किचन है। बहुत ही अच्छा किचन स्पेस है। तो आइए फर्स्ट बेडरूम पे एंटर कीजिए और ये बेडरूम बहुत ही सुंदर है। ये इसका मास्टर बेडरूम है और ओनर अभी खुद इस प्रॉपर्टी में भी रहते हैं और उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन इसको किया हुआ है। आप देखेंगे तो प्रॉपर एक किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, उसके बाद में एक सोफ़ा लगा हुआ है और साथ ही साथ एक वार्डरोब का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। इधर भी एक कवर्ड वार्डरोब है, उधर स्टोरेज का सेक्शन है और बड़ा सा बेडरूम है दोस्तों। उधर एक सोफ़ा लगा हुआ, इधर एक सोफ़ा लगा हुआ, तो आप प्रॉपरली इसमें सिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इधर एक विंडो मिलती है आपको ईस्ट फेसिंग में, उधर सामने एक विंडो मिलती है आपको साउथ फेसिंग में और साथ ही साथ नॉर्थ फेसिंग में भी आपको एक विंडो प्रॉपरली मिलती है। आप देखेंगे तो सीलिंग हाइट प्रॉपरली है और साथ साथ ओपन वेंटिलेशन का प्रॉपर इसमें ध्यान रखा है। फ्लोरिंग अच्छी है। प्रॉपर्टी का ये पार्ट दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है इसमें वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये इसका एक मास्टर बेडरूम है और खुला खुला स्पेस आपको इसमें मिलता है। अब इसके साथ ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है क्योंकि इसका डोर यहाँ से क्लोज होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही एक यहाँ पे एक ओपन क्लोजेट है, मिरर वगैरह यहाँ पे सामान वगैरह रखा उन्होंने। मतलब आते ही आपको पॉजिटिविटी आएगी प्रॉपर्टी में। तो आप आइए वॉशरूम देखिए, आप प्रॉपरली कर्टेंस वगैरह लगाए हैं इसमें और टोटली ब्रांडेड काम इसमें किया हुआ है। फ्लोरिंग भी अच्छी है इसमें, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है और फुल हाइट तक पूरा टाइल वर्क किया हुआ है इसमें। सब चीज़ें वर्किंग है, दो पानी के कनेक्शन है इसमें, एक स्विमिंग पूल है, दो इसमें सर्वेंट क्वार्टर हैं, साथ ही साथ मजबूत कोठी भी आपको फ्री मिल रही है इतनी बड़ी लैंड साइज़ के साथ में। लैंड कॉस्ट ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। साथ ही साथ जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, ये इसका ओपन डाइनिंग स्पेस है दोस्तों। कितना ओपन आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नेचुरल लाइट आपको मिलती है। मतलब ये समझो आप कि आप उधर से भी एंट्री कर सकते हो, फ्रंट से भी बैक से भी, और आपके पास में सारे ऑप्शन ओपन मिलते हैं। ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, ये क्रॉकरी सेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। किचन में सेपरेट दिया हुआ है, जो वॉशिंग एरिया है वो सेपरेट है और किचन इतना सुंदर बनाया है उन्होंने। आप देखेंगे इसमें जो काम किया हुआ वुडन का, वो बहुत प्यारा काम है। चिमनी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इधर एक विंडो मिलती है आपको, इधर वॉशिंग एरिया आपको मिलता है। अब चलते हैं सीधे फर्स्ट फ्लोर पे। जो सीढ़ियाँ हैं देखिए काफ़ी खुली खुली हैं, तो जैसे ही आप लोग ऊपर एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो आपको ओपन स्पेस मिलता है मूविंग के लिए। इधर एक बेडरूम है, इधर एक बेडरूम है और इधर आपको मिलता है ओपन टेरेस। साथ ही साथ उस बेडरूम से भी आप ओपन टेरेस में जा सकते हैं और इस बेडरूम से भी जा सकते हैं। इधर एक टॉयलेट सीट वाला वॉशरूम है, इधर आपका बाथिंग सेक्शन है, तो इसमें दोनों सेपरेट दिए हुए हैं। मैंने बताया कि आपको एंटिक प्रॉपर्टी है तो उसी हिसाब से आप इसको देखना। बाकी कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी ये प्रॉपर्टी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये भी एक बेडरूम है, इसकी फ्लोरिंग बहुत प्यारी है, उन्होंने फ्लोरिंग इसमें मॉडिफाई करके बनाई। आप देखिए पूरा वुडन का काम किया हुआ है इसमें, सोफे दिए हुए हैं, एक बेड दिया हुआ है, एसी इंस्टॉल्ड है। इधर एक विंडो मिलती है, इधर एक विंडो मिलती है और सामने एक विंडो मिलती है, तो थ्री साइड विंडोज़ आपको मिलती हैं। प्रॉपरली स्टोरेज का सेक्शन आपको मिलता है। तो इधर आपका ओपन टेरेस में जाने का स्पेस है जो कि हम आगे वाले बेडरूम से देखने वाले हैं। आइए तो दोस्तों, ये वॉशरूम है हालांकि बहुत मेंटेन किए हुए हैं, देखिए आप प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी के वॉशरूम हैं, मतलब क्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन है जिस हिसाब से कोठी बनी हुई है। और इधर आपका बाथिंग सेक्शन दिया हुआ है, आप देखिए ये भी बहुत ही सुंदर है, क्लीन है प्रॉपर्टी हर लिहाज से। मतलब जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा है, बीम कॉलम का स्ट्रक्चर है प्रॉपरली। तो ये इसका फाइनल बेडरूम है, थर्ड बेडरूम, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, प्रॉपर्टी रहने लायक है, अंदर से बहुत अच्छी है, आप इसको थोड़े बहुत पैसों में प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं और ख़ुद भी इसमें रह सकते हैं। सेंटर सिटी है, कहीं भी मूवमेंट करना आपको ईजी पड़ेगा। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये कोठी है आपकी टर्नर रोड पर, जो कि क्लेमेंट टाउन टर्नर रोड आपने सुना होगा, आर्मी एरिया पास में है। पुराने आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं वो सब इस एरिया में रहते हैं दोस्तों। साथ में जो दिल्ली या हरियाणा गाजियाबाद से जो आने वाले लोग हैं उनको इजी पड़ता है यहाँ पहुँचना, एकदम आपको इजी पड़ेगा। साथ ही इसके साथ में आपको मिलता है ओपन टेरेस का स्पेस और बहुत ही खुला खुला स्पेस है, उसको देखते हैं अभी। तो जैसे ही आप लोग एंटर करते हैं अपने ओपन टेरेस में, तो आपको पूरा खुला खुला यहाँ से व्यू मिलता है। देखिए कितना ग्रीन व्यू आपको मिलता है, खुली खुली प्रॉपर्टी है। अभी तो इतनी गर्मी है कि आपको जो ग्रीन व्यू है वो भी ढंग से नहीं मिलेगा। सामने मेरे आपको मिलता है बार काउंटर, इधर मिलता है बड़ा सा लॉन, और जो लॉन है एक बार आप थोड़ा सा विज़िट कर दीजिए, छोटी सी झलक हम आपको दिखा देते हैं। सबसे प्यारा लॉन ये देखिए, ये है इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा USP।
जो बेडरूम था दूसरा उससे ये रास्ता जाता है, ये वॉशरूम की विंडोज हैं, ये वॉशरूम की विंडोज हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर्टी में जितने बेडरूम हैं उनमें लगभग तीन तीन विंडोज तो हर एक में हैं। एसी इंस्टॉल्ड हैं, टीवी इंस्टॉल्ड हैं, सब कुछ इंस्टॉल्ड है इसमें। बाकी फ्लोरिंग वगैरह प्रॉपरली मेंटेन्ड है। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये इसका फ्रंट का पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट का ओपन स्पेस है वो है दोस्तों। ये इसका बीम साइज़ है, आप देखिए जब बनी थी, ये एंटिक प्रॉपर्टी है लेकिन है तो बीम कॉलम का स्ट्रक्चर ये है, देखिए प्रॉपरली बीम के साथ में बनी हुई है और खुली खुली है। आइए तो सीधे चलते हैं हम लोग लॉन बैक साइड के पार्ट में। अब है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट जो आपको दिखाना बाकी है, जिसके लिए मैं आपको बेसब्री से इंतज़ार करवा रहा था। ये है इसका सबसे बड़ा लॉन और आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहती है। हालांकि ओनर खुद इसमें अपनी प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह करते हैं और इतनी खुली है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि बगल में कोई डिस्टर्बेंस होने का चांस ही नहीं है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में, इसमें नीचे कवर पार्किंग है और ऊपर आपको जो स्पेस मिलता है वो ऑफिस स्पेस की तरह यूज़ कर लो, या स्टडी स्पेस आपको स्टडी करनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब वो ऐसी है जैसे आपने ये स्ट्रक्चर देखा, कुछ इस तरीके से है। जब हम फ्रंट पे आ रखे थे तो हमको ये वाला स्पेस लॉन का दिख रहा था और इतनी मेहनत हो रखी है ना इसमें, ये मान के चलिए कि 365 दिन तक दो तीन लोग हमेशा काम करते हैं इस प्रॉपर्टी में, तब इस तरीके से इसकी जो ग्रीनरी है मेंटेन की हुई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रेश अपने फार्म की लीची है, ये ऑर्गेनिक लीची है जो मैं बता रहा था आपको। जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो पूरा मेंटेन रखते हैं इसको, उन्होंने यहाँ पे केयर टेकर रखे हैं। ये लीची हैं, आप साथ साथ एंजॉय कीजिए। ये इसका पूरा बार काउंटर है, इसमें जो आप अपनी प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह करेंगे तो इसको आप प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया कि आपको कम्प्लीटली वुडन का ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो लॉन है इसमें इतनी ग्रास उगाई हुई है, इसको मेंटेन करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, और साथ साथ इसमें अपनी तराई वगैरह करना, उसके लिए पूरा एक जो वाटर सिस्टम है यहाँ पे, एक म्यूनसिपल का वाटर सिस्टम लगाया हुआ है और दूसरा इनका प्राइवेट इसमें समर्सिबल है। जो बगल में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो दो सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्विमिंग पूल है, जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं उस स्विमिंग पूल के साथ में आप बड़ा सा स्विमिंग पूल अपने लिए पर्सनल बना सकते हैं और इस स्पेस को ओपन रख सकते हैं। ये लीची बहुत टेस्टी लीची है। साथ ही साथ 100 फ्रंट होने के कारण इस प्रॉपर्टी की चौड़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ से कोठी देखिए आप। तो बहुत ही टेस्टी लीची है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं हुए हैं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, जो पत्ते इसमें झड़ते हैं उसको उसकी जड़ पे रख लेते हैं और उसके बाद में लीचियाँ यहाँ पे उगती रहती हैं। इधर एक आम का पेड़ है, उसमें भी आम इस बार आए हुए हैं। इधर एक लीची है, इधर एक आम है, पीछे भी लीची के बड़े बड़े पेड़ हैं एक्चुअली इसमें लीची के। कुछ लीचियाँ तो ऑलरेडी तोड़ दी गई हैं और तीन गेट है इसमें, डबल साइड रोड है, इधर भी इसमें रोड है मेरे ठीक लेफ्ट साइड में। बाकी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी पूरी कवर है, पूरा कवर किया हुआ है, मतलब प्राइवेसी देखिए आप पूरी मेंटेन है। आप चाहें तो इसमें पार्टी स्पेस इसको बना सकते हैं, जो लोग लग्जरी का शौक़ रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसा स्पेस डेवलप करूं जो फुली ऑलरेडी डेवलप्ड हो, मतलब जिसमें पेड़ पौधे लगे हों और प्राइवेट पार्टीज़ के लिए, आप इसको ऊपर से कवर करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई लोग अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग अपनी 200-250 लोगों की गैदरिंग आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। आप इसका पूरा टूर ले लीजिए, इधर किचन गार्डन का स्पेस छोड़ा हुआ है, हाँ देखिए मेरे लेफ्ट साइड में भिंडी वगैरह उग रखी है इसमें, पूरा खुला खुला स्पेस आपको नज़र आएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 1968 ये ऑन ग्राउंड है और 1900 के आसपास ये ऑन पेपर है। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, सेंटर सिटी में है, 40-45 फीट की रोड पे है, ये फुली डेवलप्ड है। 9 लीची के पेड़ हैं, 3 आम के पेड़ हैं इसमें, और इम्पोर्टेड ग्रास लगाई हुई है इसमें जो आप देख रहे हैं, और बाकी जो पेड़ पौधे हैं वो मेंटेन किए हुए हैं। स्विमिंग पूल भी इसमें है, स्विमिंग पूल का भी आपको मैं टूर करा देता हूँ। तो ये इसका एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, इसमें इजीली आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट फैमिली या आपके फ्रेंड्स लोग आएँ तो इसमें आप इजीली नहा सकते हैं। ये स्विमिंग पूल है, इसका आप टूर ले लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें देख ली हैं प्रॉपर्टी की, खुली खुली प्रॉपर्टी है, डेवलप्ड है, घर बना हुआ है, ऑलमोस्ट लैंड कॉस्ट में आपको मिल रही है और साथ में पूरे फलदार वृक्ष आपको मिल रहे हैं जो कि कोई भी जगह को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हैं। साथ ही साथ लॉन का स्पेस बहुत बड़ा है दोस्तों, तो अपने लिए आप सेंटर सिटी में एक अच्छी प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। आप चाहें इसमें छोटा सा एक होटल बनाएं, आप चाहें इसमें इन्वेस्ट करें,
आप चाहें इसमें पार्टी स्पेस इसको बनाएं, क्योंकि प्रॉपरली डेवलप्ड है प्रॉपर्टी, बार काउंटर है, स्विमिंग पूल है, बनी हुई है प्रॉपर्टी, खुला खुला स्पेस है, तो आप इस तरीके की प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, क्लेमेंट टाउन टर्नर रोड, आर्मी डिफेंस एरिया बिल्कुल नज़दीक में है, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब नज़दीक में है। यहाँ पे 40-45 फीट की रोड पे है, डबल साइड रोड है, इसमें 3 गेट हैं प्रॉपर्टी के, और जो दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे आ रहा है वो बहुत नज़दीक है, यहाँ से आप इजीली उसको टच कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो मेन सड़क चल रही है उसी पे आ रहा है, तो आपके लिए बहुत नज़दीक हो जाएगा अगर आप लोग दिल्ली हरियाणा या मेन उधर से ट्रैवल कर रहे हैं और देहरादून आ रहे हैं आप लोग, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। आप अगर इस प्रॉपर्टी में विज़िट करना चाहते हैं तो एक दिन पहले प्रायरली बताइए, ताकि हम लोग ओनर को इन्फॉर्म करके ही इस प्रॉपर्टी में आपकी विज़िट पॉसिबल करा पाएँ। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल जो मिस हो गई होंगी वो सारी आपको मेंशन रहेंगी, प्राइसिंग भी नीचे मेंशन है, प्राइस नेगोशिएबल है, आप डायरेक्टली मीटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।